प्रेशर तो बना ही रहेगा ट्वेंटी सेवन मिलियन फॉलोअर्स है वो लोग देख रहे हैं और उन लोगों को भी आज पता चल जाएगा कि मैं मतलब खतरे खिलाड़ी में आ रहा हूँ और उनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी मुझसे कि मतलब मैं अपना अच्छा करके दिखाऊँ हे गाइस hey पैसु ईयर और आप मुझे देख रहे हैं पीपिंग मून डॉट कॉम पर हेलो एवरी वन वेलकम टू पी 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 पोन डॉट कॉम आई एम रशिता सहानी एंड टूडे जॉयनिंग अस फॉर अपर खतरनाक कॉन्वर्जेशन इज़ मिस्टर फैजू इज़ ऑल सेट टू एंटर खतरों के खिलाड़ी ट्वेल्व हाई फैज़ू कैसे हैं आप कैसे एकदम ठीक इन फैक्ट अभी जो एक्साइटमेंट है जैसे ही कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी को लेकर वो एट एन ऑल टाइम हाई है स्पेशली क्योंकि पैंडमिक के बाद लाइक जो पहले के सीजन थे वो दो बार थोड़े पैंडेमिक के बीच में आए अब फुल फ्लेजेड होने वाला है हाउ एक्साइटेड आर यू मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इससे पहले के जो सीज़न भी आए थे उसमें भी पैंडमिक के टाइम पे ही शूट हुआ था और अब की बार भी पूरी प्रिकॉशन और सारी सेफ्टी के साथ में हम लोग जा रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं तो बहुत मज़ा आने वाली है ओके okay. जैसे आपने मेंशन किया कुछ आपके दोस्त हैं तो वहाँ पे आपका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो कितना ज़्यादा हाई रहेगा क्योंकि काफ़ी बार ऐसे बोलता है कि दोस्तों के बीच में कंपटीशन नहीं होता बट दिस इज़ अ कंपटीशन सो आप कैसे ले रहे हैं ऐसे ये मतलब सारे लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही टफ कॉम्पिटिशन होने वाले हैं और सारे लोग अच्छा करें अपनी तरफ से और मैं भी अपना हार्डवर्क करूँगा इस चीज़ के लिए और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दूंगा क्योंकि इस चीज़ में आपको जितना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ दिखाना है उतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेंथ भी दिखाना है तो बहुत टफ होने वाला है मगर करेंगे ओके okay. एंड uh, फैजो आपकी जो एक फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे दैट इज़ इनक्रेडिबल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं दे लुक अप टू यू बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं आपसे सो so देर इज कोई प्रेशर है वो फैन फॉलोइंग का कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि आप ही जीत के आए हाँ तो प्रेशर तो बना ही रहेगा ट्वेंटी सेवन मिलियन फॉलोअर्स है वो लोग देख रहे हैं और उन लोगों को भी आज पता चल जाएगा कि मैं मतलब खतरों के खिलाड़ी में आ रहा हूँ और उनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी मुझसे कि मतलब मैं अपना अच्छा करके दिखाऊँ तो बस मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से अलहमदिल्ला आज मैं खतरे खिलाड़ी में जा रहा हूँ और मैं अपनी जी जान से ताकत लगा दूंगा पूरी कि मैं अपना हंड्रेड परसेंट और अच्छे से अच्छा कर पाऊँ ओके okay. और खतरों में जाने से पहले काफ़ी लोग कुछ डाइट लेते हैं या प्रपरेशन करते हैं क्योंकि काफ़ी हाई इंटेंसिटी टास्क होते हैं वहाँ पे तो आपने कुछ ऐसे चेंजेस किए अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस किया हूँ क्योंकि मैं स्विमिंग में इतना खास नहीं हूँ अच्छा। बाकी मुझे अलहमदिल्ला बाकी सारी चीज़ों में ट्रेनिंग तो चली रही है और जो कि मैं अच्छा कर भी रहा हूँ स्विमिंग में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ अलहमदिल्ला बहुत अराउंड थर्टी डेज से ट्रेनिंग चल रही है स्विमिंग की भी तो लेट्स ही कैसा होता है मगर इन मैं अपना अच्छा करूँगा फैंटेस्टिक और बात करें कोई फियर की जैसे आप कह रहे हैं स्विमिंग आई डोंट नो वो आपका फियर है यानी काफ़ी लोगों का हाइट होता है करेंट होता है कुछ भी होता है आपका वो एक फियर क्या है और आप उसको कैसे ओवरकम करने का ट्राई करेंगे खतरों के खिलाड़ी में मैं इसलिए मतलब अपने आपको हंड्रेड परसेंट देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो सारा फियर है सारी चीज़ों में फियर है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी वहाँ जाने के बाद में क्योंकि टीवी में स्टंट तो हर कोई देख रहा है मगर वहाँ जाके करने के बाद में पता चलेगा मुझे कि कितना ज़्यादा मुश्किल है और कितना ज़्यादा आसान है बट रही बात फियर की तो मुझे मैंने जैसे कि कहा कि मुझे पानी का बहुत डर है बट ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं और अंडर वाटर के लिए भी मुझे थोड़ा सा फियर है कि अंडर वाटर में मैं किस तरीके से अपना टास्क कम्प्लीट कर पाऊँगा मगर इन मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की ओके एंड होस्ट रोहित शेट्टी करते हैं वी ऑल नो कि वो बहुत ही ज्यादा कमाल का जॉब करते हैं अपनी होस्टिंग के साथ एंड उनका एक कंटिन्यूस यू नो चैट चलती रहती है कंटेस्टेंट्स के साथ वो मजाक भी करते रहता है तो उस चीज़ के लिए कितने एक्साइटेड आप कि यू नो रोहित शेट्टी विल बी होस्टिंग यू रोहित शेट्टी सर होस्ट कर रहे हैं और पहली बार मैं उनसे मिल रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और लेट्स सी कैसा होता है क्योंकि वो तो स्टंट के किंग है और कितनी बार तो स्टंट खुद से डिजाइन भी करते हैं और खुद से करते भी है पहले तो लेट्स सी कैसा होता है एक ही जगह पे रोहित शेट्टी के साथ में रोहित शेट्टी सर के साथ में इतने सारे लोग भी रहेंगे तो मतलब देखते हैं थोड़ा सा नर्वस हूँ मगर इनशाला अच्छा करूंगा अपना मैं ओके ग्रेट और जैसे दूसरे रियलिटी शोज में एक स्ट्रैटेजी आप एक प्लान बना सकते हैं बट समथिंग लाइक खतरों के खिलाड़ी एक आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है क्या टास्क है तो उसके लिए आपने कोई मेंटल प्रिपरेशन की है कि आप वहाँ कैसे रिएक्ट करेंगे मेंटल प्रिपरेशन जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि मतलब आप जितना ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ में रहोगे उतना ज़्यादा आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा तो बस मेंटली प्रिपेयर तो मैं इस तरीके से हो रहा हूँ कि जितने ज़्यादा मैं सीजन देख लूँ और अपने आप को खुद से तैयार कर लूँ क्योंकि मेंटली प्रिपेयर तो मैं हो जाऊँगा इन शाला वहाँ स्टन्ट एक दो करने के बाद क्योंकि थोड़ा करने के बाद में ही मेरा भी थोड़ा सा मतलब है कि डेयरिंग वेरिंग थोड़ी सी आ जाएगी और इनशाला मैं करूँगा अच्छा करूँगा ओके एंड यू नो काफ़ी पिछले आई थिंक दो साल से आपका नाम खतरों के खिलाड़ी के लिस्ट में आता था कि आप आने वाले हैं बट हम फिर आपको फाइनली इस सीज़न में देख रहे हैं तो इस सीज़न में आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ अब ये इस बार करना है मुझे इस बार करना है और हमेशा से मेरे फैंस लोग का भी यही कहना था कि मतलब फैजू आप कोई रियलिटी शो क्यों नहीं कर रहे हो फैजू आप खतरों के खिलाड़ी क्यों नहीं कर रहे हो उसमें भी करो आपकी फ़िज़िक अच्छी है आप इतने सारे वीडियोस और इंस्टाग्राम पे जो इतने सारी चीज़ें करते हो जो स्ट्रेंथ की होती है तो आपको करना चाहिए क्योंकि आप अच्छा कर सकते हो वहाँ पर तो बस मैं तैयार हूँ पूरी कोशिश में कि इन मैं अपना अच्छा करूँगा फैंटास्टिक और जो भी खतरों के खिलाड़ी में जाता है उसके बाद एक्सपेक्ट होता है कि यू नो बिग बॉस में भी वो देखे जाए और आपके फैंस तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते ही होंगे आपको कि आप बिग बॉस में जाओ या ये रियलिटी शो में जाओ तो उसका क्या प्लान है इनशाला फर्स्ट रियलिटी शो में खतरों के खिलाड़ी कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर इसके बाद भी मुझे ऐसी और अपॉर्चुनिटी आएगी तो जरूर मैं इनशाला जरूर जाऊँ फटिक लास्टली वन मैसेज फॉर योर फैंस गाइस स्टेट यून केप टाउन बहुत सारा प्यार चाहिए और बहुत सारी ब्लेसिंग चाहिए आप लोगों की अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर जीतूंगा थैंक यू सो मच फैजो ऑल द वेरी बेस्ट